जनता कर्फ्यू लोगों के सहयोग से रहा सफल, लोगों ने छतों और बालकनियों में आकर बजाई थाली और ताली। देश दुनिया में कोरोना नामक वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, उसी के तहत हिंदुस्तान में भी इस वायरस ने अपनी दस्तक दे दी है। इसको फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश दिया था कि जनता से आग्रह किया था कि वे रविवार के दिन जनता कर्फ्यू का पालन करें और घर से बाहर नहीं निकले और जनता कर्फ्यू में अपनी अपनी भागीदारी निभाएं और साथ ही शाम 5 बजे अपने घरों से बालकनी से खिड़की से निकलकर 5 मिनट तक कोरोना वीरों का अभिवादन किया जाए। जो लोग घर से बाहर निकलकर कोरोना वायरस से लड़ने में भागीदारी निभा रहे हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और पत्रकार, जो कि ऐसी भयानक बीमारी में भी बाजारों में निकलकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी का अभिवादन किया गया। साथ ही कुछ लोगों ने घर में इन सभी लोगों के लिए यज्ञवन किया और यज्ञ में मंत्रों के साथ दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस से लोगों को जल्द से जल्द निजात मिले और कोरोना वीर है उन्हें हिम्मत और ताकत दे। यज्ञ जो है संसार का श्रेष्ठ कर्म है। हम मानव मात्र के लिए यज्ञ बहुत ही गुणकारी है और सभी बीमारियों से सभी समस्याओं से दूर करने का एक साधन है। आज जो है हमारा देश कोरोना की इस चपेट में आ रहा है, मोदी जी के आह्वान पर हमने आज संकल्प लिया कि उनके कहे अनुसार हम यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के द्वारा जो है हम अपने देश को जो है स्वस्थ बनाने का जो है संकल्प लेंगे। और हमने जो है जो ये संकल्प मोदी जी के आह्वान पर लिया है, आज जो पुलिस जिन्होंने जो है हमें इतने सहयोग दिया, जो डॉक्टर नर्स जो हमें इन्होंने इतना सहयोग दिया, हम उनके आभारी हैं। और हम जो है पूरा देश जो है अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी और डॉक्टर्स और नर्स जो है अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने जो है जो ये अभूतपूर्व अपना उसका परिचय दिया है, हम उनके आभारी हैं। और हमने हवन के द्वारा उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना की है और पूरा देश जो है हमारा स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी कामना है। जय मोदी।